और गांव में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे, और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए थे, गए तो यही लॉकडाउन हो गया, मेरे पास खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए, तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। बोला बेटा तुमको साइकिल में रेस लगाना है, बोले ठीक है, बोले मैं अभी तुम्हें हम नहीं लगा सकते क्योंकि मेरा पैर हाथ सब दर्द हो रहा है, तो ठीक है एक महीना के बाद आ जा आएंगे हम लेने के, बोले ठीक है एक महीना के बाद हम आ जाए, बोला कि खाना पीना वहीं पे देंगे, रहने की भी व्यवस्था देंगे, बोले ठीक है। हरियाणा में रह रहे थे, करीब एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे रह रहे थे, लॉकडाउन में फंस गए थे, खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रहा था, कमरा मालिक भी काफ़ी दबाव डाल रहा था, कभी इस महीने में लाओ भाई कमरा किराया लाओ, लेकिन हम लोग सोच रहे थे जो चलो भाई लॉकडाउन ख़त्म होगा काम करके उसको दे देंगे पैसा काम करके, लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही गया, कुछ खाने पीने की भी दबाव चल रहा था, दबाव बंद हो गया, वहाँ राशन पानी हम लोग को मिल नहीं रहा था, काफ़ी दबाव था राशन पानी का भी, भूखमरी भी हो गया था, पैसे वैसे था नहीं, फिर भी मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से, मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 12-13 सौ किलोमीटर है कैसे जाएंगे, तो बोला जो तुम पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे। लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है, मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे, तो किसी तरह हमें वहाँ लेके आया वहाँ से, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते वहाँ पे।